अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कॉमेडी स्टॉप और मैं हूं नसीरी खान। नाज़रीन, आज शो के आगाज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं अमेज़न के जंगलों से आए हुए चंद जंगली मेहमान, तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। जी जनाब, कैसे हैं आप लोग? अच्छा यार, ये बताएं कहाँ से आए हैं आप लोग? जिंका चिका हर हर, जिंका चिका हर हर, जिंका चिका हर हर। यार मुझे लग रहा है ना पूरा सेट होस्ट समेत गायब कर दिया। कॉलेज अजू तो वड्डा भरा होंदा, असी जंगली है तो इसी इंजी बोलना। यार जुगते करने लग गए हैं। कहाँ से आए हैं अनस भाई, बताया कहाँ से आए हैं? जिंका चिका हो, प्लीज नहीं नहीं करना, ये नहीं करना प्लीज। अजय थोड़ी छेड़ नहीं यार, ये बकवास लगते हैं आप लोग करते हुए। सर असी जंगल चो आए हैं, असी यही करना, और असी तुहानू मेहंदी हसन दी गज़ल सुना दिए। हाँ चलो वो सुना दो। जंगल च तुहानू मेहंदी हसन दा किवें पता? वाईफाई यूज करदे ने, धाड़ी जंगली है। जनाब साडे जिन्ने भी जंगली हैगे ने ना पुराने, ओह सारे अकमल राय दे गाने ते भंगड़े पाउंदे ने। हां जी माशाल्लाह, इन्हां दी फुफो जिहड़ी साडी फुफो है, मेरे वड्डे भरा ने ना, जिहड़ी साडी फुफो है, ओह ते इक लत्त ते नचदी है अकमल राय दे गाने ते, ऐ झूम झूम के नचदी है। अच्छा ये आपके भाई हैं? जी मेरे बड़े भाई हैं जी। और वो? ये मेरा भतीजा है जी। अच्छा आप क्या करते हैं जंगल में? ये जी खुद करता हूँ। वो तो तू ही सानू भी कर रहे थे। ये भी बड़ा लाडला बिल्ला है जी। चले एदा दरअसल लुबे लुबाब हैगा वे, बोलता ही इंज हैगा वे, दरअसल इनू पत्ते चुभदे ने ते तां करदा वे ते कट के नहीं जंगल। अच्छा ये बताएं जिंदगी कैसी गुजर रही है? जी जिंदगी जंगल दे विच बड़ी खूब, शेर आ जांदा उत्थे, और शेर कोई आम शेर नहीं हुंदा। हाँ जी। नूनी का होना। नहीं जनाब सर, वो जो शेर आता तो उदो उन्हें देख के कहने लग पैंदा गो नवाज गो। जी सियासी बात ना करें आप लोग। शेर आके सानू पुछदा है चाचा जी की पके है? एको कहता मेरा मुंह पका है। वो माइंड कर रहे हैं। कई दफा शेर आया तो मुंह वेख के समझ जाता कि कुछ नहीं पका। वैसे आपका मुंह इतना मायूस क्यों है? वो असल दे विच ना जी, जो शेर आता है ना तो मैं थोड़ा जिहा फुल जाता, मैं हौसला हो जाता कि मेरे नाल कोई है, वो हिस्से की भी रोटी ये खा जाता ना, तो फिर मैं भुखा रह जाता, खाली दरख्त मैं लभदा चटन लई। अच्छा जी बहुत खाता है? बहुत खाता जी। तुम दसा कि उदन निम खा गया सारी, सफेदा खा गया सारा, ये तुम की दसा पौना जंगल तो इन्हें खाली कर दिता है। क्यों भाई इतना क्यों खाते हो? दरअसल उत्थे खुला खान पेंडू होंगे, इस वजह से असं यह नहीं सोचते भी घट खाना कि ज्यादा खाना। यार टी शर्ट तू स्पोर्ट्समैन जंगली टी शर्ट तू आ गए? नहीं हमने बनाई है तो। अच्छा अच्छा ये दूसरा केस। हाँ 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 लिबास में ये लोग जी खाली पत्ते पाए होंगे तो ये तो बकरे को बच दे हो गए। बांदर दी ऊपर करा के आए जी। आपको ऊपर का भी पता है? सारा कुछ पता है, जंगल च किस चीज की एनवायरमेंट नहीं है सानू दसो। एनवायरमेंट आ सारा जेडे लोग ने जंगल जाके साडे कोल ही पनाह लेंदे ने। मेरे पते जी उसल जंगल डेथ हो गई, बंदे दी लाश नवाउणी सी, मैं पत्ते ला दिओ पानी दा। तैनूं मैं किन्नी वारी कहा पानी पूनी पिया कर पत्ते ज्यादा लगणगे। तू आप भी पिया कर साले, आप टैंकी बने आप। अच्छा पानी, अच्छा पानी पी ऐसे क्या हो रहा? आप किधर आते हैं? आप किधर आते हैं? नहीं नहीं सर असल च ना मैं इहदा बटन नप दिता सी, इहनूं भुख लगी, इहनूं खवाओ को पत्ते पुत्ते। भुख तुहाडा मूंह परौठे वर्गा जिहड़ा, उहनूं भुख याद आउण डई। ये आप क्या कर रहे हैं? लॉलीपॉप मांग रहे हैं? ए हले जंगली शिले च हैगा ना। वो कह रहे हो वेखो रिएक्ट दे रहे हैं। यार है, मतलब पानी पींदे ने ते पत्ते उगदे ने, मतलब नहीं बकवास कर रहे हैं बकायदा। यानी ए पत्ते तुसी किस तरह को बीबू खांदे फिर उगदे ने? नहीं सर असल दे विच मैं ना जा रहा सा सुरंग दे विचों दी। वाह मेरा जिस्म बड़ा खूबसूरत है। जंगल च पता ना की करदा है? क्या करता है? सप्पा दी थकावट लांदा। अच्छा आप लोगों ने ये पत्ते क्यों पहने हुए हैं?
ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਟਕੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਹਾਂ ਚੁੱਭ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਰੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਲਾਏ ਸਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਚ ਕੰਡੇ ਹੁੰਦੇ। ਓਹੋ ਫੇਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਜੰਗਲ ਚ ਤੜਫਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੰਜ ਦਾ ਤੜਫਦਾ ਭਾਜੀ, ਇਹਦੇ ਪਤਾ ਨੀ ਜ਼ਖਮ ਤੇ ਨੂਣ ਪਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਐ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਸਿਆਣੇ ਪੈਣੇ ਜੰਗਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲ ਚ ਖਾਂਦੇ ਕੀ ਜੇ? ਨੈਡੋਜ਼। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨੈਡੋਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੱਤੇ ਪੁੱਤੇ ਹੀ ਖਾਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਜੁਨਵਰ ਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਪਾੜ ਪੂੜ ਕੇ ਖਾ ਗਏ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਣਾ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਖਾ ਲਈਦੇ ਯਾਰ, ਨਾ ਕਰੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਮੇ ਲਈ ਖਾ ਲਈਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੇਦਾ ਦਰੁਸਤ ਰਵੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹਾਜ਼ਮੂਲਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਭਾਜਮੂਲਾ। ਅੱਛਾ ਆਪਕੇ ਜੰਗਲ ਮੇਂ ਉਸੂਲ ਹੋਤੇ ਹੈਂ ਕੁਛ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੰਗਲ 'ਚ ਬੜੇ ਅਸੂਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਬਰਾ ਕੌਣ ਹੈ ਆਪਕਾ? ਸਰ ਜੀ ਸਰਬਰਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਐ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਖੋ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਵਾ ਤੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰਬਰਾ ਹੋਣੇ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਲਾਲ ਪੱਟੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਨੀ? ਜੰਗਲ 'ਚ ਧਮਾਲੀ ਹੈ ਤੂੰ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਆਪ ਇਹ ਬਤਾਇਆ ਮੁਝੇ, ਜੰਗਲ 'ਚ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਆਪ ਕਿੱਧਰ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ? ਆਪ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਾਤ ਕਰੇ ਆਪ? ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨੀ ਵੱਡਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਆਹ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਆਪ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੁਫਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬੜੀ ਸੁਸਤਾ ਉਰਦੂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਆਪ ਕਿਤਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਜੀ? ਇਹ ਜੀ ਸਰ 12 ਦਰਖਤ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਤੇ ਚੌਥੇ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੁਝੇ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਆਪ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ। ਮੈਂ ਨਿਆਜ਼ ਬੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮ ਏ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਕਿਹਦੇ? ਨਿਆਜ਼ ਬੋਧ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਨਿਆਜ਼ ਬੋਧ? ਇਹ ਪੌਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੂੜ ਦਿਮਾਗ ਪੌਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਨਿੱਕਾ ਮੁੰਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਿਕਲਿਆ ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਿਕਲਿਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਖੋ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਨਸਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੂੰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਦਰਖਤ ਵੀ ਤੇ ਦੀਮਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨੂੰ ਕੀੜਾ ਲੱਗਾ, ਦੀਮਕ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਕੀੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਨਾ, ਕੀੜਾ ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਕਾ ਬਤਾ ਦੇ। ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਹੋ ਨਿਹਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸਬਕ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਤਰਜੀਹ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜਾਉਂਦਾ ਜੰਗਲ 'ਚ? ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਐਸੀ ਦਿੰਦਾ ਵੇ, ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ ਕੌਣ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆਤਾ ਇਸਕੇ ਪਾਸ? ਇਸਕੇ ਪਾਸ ਜੀ ਹਾਥੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਕੇ ਸਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਜੀ, ਜਨਰਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੇਬਰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਲੇਡੀ ਲੇਬਰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਖਾਲਾ ਲੋਬੜੀ। ਹਾਂਜੀ ਚਾਚਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਕੈਂਗਰੂ ਭਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੈਂਗਰੂ ਭਾ, ਕੈਂਗਰੂ ਭਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬੜੇ ਜਾਨਵਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲਗੜ ਬਗੜ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਅੱਛਾ ਅੰਕਲ ਜੰਗਲੀ ਆਪਕੇ ਲਗੜ ਬਗੜ ਕਿਆ ਲਗਤੇ ਹੈ? ਉਹ ਇਨਕੇ ਹਮਸ਼ਕਲ ਲਗਤੇ ਹੈ ਯਾਰ, ਉਹ ਮਾਈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਮਾਈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਚ ਗਾਰਾ ਰੰਗ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੇਖੇ ਜੀ ਹਮ ਆਪਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇ ਆਏ ਬੜੀ ਦੂਰ ਸੇ ਕਸ਼ਟ ਕਰਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸਿਰਫ ਆਪਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਅੰਸ਼ ਭਾਈ, ਵਰਨਾ ਜੰਗਲ ਮੇ ਹਮੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣੇ ਕਾ। ਵਾਹ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਇਹਨੂੰ ਨਵਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਜਾਣਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਮੈਲ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਬਰ ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਖਤ ਵਿੱਚ ਚੀਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਇਸਕੋ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਜਿਲਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜੀ। ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਲਦ ਕੋ? ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਲਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਰੰਗ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਜਿਲਦ ਦਾ ਮਸਲਾ? ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੋ ਕਰਾ ਕੇ ਵੇਖ ਦੋ ਯਾਰ, ਉਹ ਸਕਿਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਏ ਯਾਰ, ਸਕਿਨ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਮਾਸ ਮਾਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪ ਇਸਕੋ ਬਿਠਾ ਦੇ। ਬੇਟਾ ਆਪ ਬੋਲੋ। ਇਨਕੇ ਡਰ ਸੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਚਾਚੂ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਇਤਨਾ ਪਿਆਰਾ ਔਰ ਕਿਤਨੀ ਸੁਸਤਾ ਉਰਦੂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਡਾ ਤੇਰਾ ਪਾਪਾ ਇਹਨੂੰ ਬਾਕਰ ਖਾਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਰਸ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸੱਪ ਖਾਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਆਪ
इनको देख लें, बड़ी उम्र के कन खजूरे लगते हैं। क्या लगते हैं? बड़ी उम्र के कन खजूरे। मैं कन खजूरा भी अच्छा लगने लगता है। अच्छा, आप शहर में क्या खाते हैं? जैम क्या होता है वो, डबल रोटी के ऊपर लगा? डबल रोटी जैम। ए वाहत बंदा उसे दलदल खाता जंगल दी। यार दलदल खाते भाई? नहीं नहीं, चलो मैं तो सर थोड़ी बहुत एक अद्धी वारी कितने मिस्टेक हो गई है। भाई मेरे भला किस तरह मोटे हुए जी जी, वो दरख्तों के नाल लेज नहीं लमकती होंगी, लेस जी वो सारी छिल छिल के माशाल्लाह उसे काला नमक पा के फौरन चट दे। अच्छा ये बताए, जंगल लोग एक्टिविटीज भी करते हैं? जिगा लाला खुर, जिगा लाला खुर। बेटा दस के बोलिया कर, असि दिल दे मरीज। यार आप जब बोलते हैं तो इतने पढ़े लिखे लगते हैं, जब आप ये हरकतें करते हैं तो आप इनसे भी बदतर लगते हैं, क्या वजह है? ये मैंने अपने चाचू से सीखी है। यार मारे ना उनको। अच्छा ये बताएं भैया, जंगल में खाते पीते क्या? जंगल में खूब नैंडोस की बकवास की थी, वो ना करना कोई बात। बड़े भाई हूं जब आप ब्याह रखना है ना जी, खाला गिदड़ी का जी। किसका? खाला गिदड़ी। गिदड़ी जी, ये थोड़ी बड़ी मासी है। हाँ जी साड़ी मासी है जी, मेरा खालू है गिदड़। अच्छा ओदे नाल माशाल्लाह उना दा असी करना लव मैरिज हो रहा है केड़े? अलवेश करना उना दा। अलवेश ए की हुंदा? अलवेश ए साड़ी जंगली बोली जिनू शादी कहंदे ने। ओ वाह, एदां दे असी बहरे सदणे जी ने रोटी फड़ाउणी है जे ओ कन्नो बहरे होणे ने। अच्छा फिर उना ने कहणा इधर रोटी लिया ते उधर दे देणी इनां ने। यार तुहाडी जुबान च फांसी ਦਾ ਕੀ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ? ਫਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੋਰ ਪਰ ਜੀ ਰਾਵਾ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੇ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ? ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਰਜਿਆ ਮਾਰ ਰਜਿਆ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਆਪ ਤਾਂ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰਤੇ ਜਾਣਗੇ ਦੋਨੋਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਬਕਵਾਸ, ਉਹ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਚਾਚੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਚਾਚੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੋਹ ਵਾਲੀ ਬੱਕਰੀ ਬੈਠੀ। ਕੌਣ ਬੈਠੀ ਹੈ? ਮੋਹ ਵਾਲੀ ਬੱਕਰੀ। ਕੌਣ ਕੌਣ? ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਐਨਕ ਲਗਾ ਕੇ। ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਾਡੇ ਜੰਗਲੀ ਲਿਬਾਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। बिलकुल बेटा, तू तो साडे जंगल दा जरार नहीं सी। दिनों साल लेते हैं, शॉर्ट सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजीन। नाजीन हमारा सेगमेंट है सोसाइटीज फैक्ट। नाजीन आज इस सेगमेंट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मियां बीवी के झगड़े को, और इसी मुनासिबत से मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं एक मियां बीवी और उनके भाई। जी कैसे हैं आप? अल्लाह में बड़ा गर्म जी। ठीक है, आप कैसे हैं भाई साहब? बस जी मेरा कुछ ना पूछो, मेरा बड़ा बुरा हाल है। तो आप कैसी हैं? जब से मैं अपने माँ बाप के घर में थी तब तक तो मैं ठीक थी, अब आप खुद ही देख लें। पहले तू एयर होस्टल लगी से ना। यार आप क्यों लड़ते हैं उसके साथ? सर लड़ना की है, देखो माँ बाप से कराई सी तो सही सी, तो मेरे को लगी कि मैं चिप पाते में। नहीं ऐसे तो नहीं आपको कहना चाहिए वैसे। अच्छा आप करते क्या भाई? मैं जी बाइक चलाना जी ऊपर से। जल्दी गल करके फरिश्ता नजर आ रहे। अच्छा जी ऊपर से बाइक चलाना जी। अच्छा आप क्या करते हैं भाई साहब? प्रॉपर्टी नवीन। जनाब रानी मुखर्जी। अच्छा आप रानी मुखर्जी से मुतासिर हैं? बहुत ज्यादा, मेरी शक्ल नहीं आपको नजर आ रही? ऐसे गलो तो कह रहे हैं वो तो लेती है, लगती भी है तो थोड़ी जी आपको तो लगेगी। आप तो प्लीज चुप रहे ना, अभी हम आपकी तरफ आते हैं। बुजुर्ग मुर्दे नहीं बोलते, यार वो बुजुर्ग है हमारे, चाचा जी झुकते नहीं करनी प्लीज, आज आपको सेंसर बात करनी है तो गाले भी तो करया करो। चाचे ने ना इबादत करनी है सिर्फ, वो तो देख 1000 होया कि नहीं? 1000 मतलब पैसे मिलदे तुहानू, ये तो अल्लाह अल्लाह करी दी। बाबा तेरे अज तस्बीह भी इंजे बम हुंदा जिवें नु पा के होने, तू सेट डा देना। अच्छा जी आपकी तरफ आते हैं भाई साहब जी, आइयो मेरी तरफ आइयो तुसी।
जनाब बाइक चलाना कोई मेहनत करना कोई बुरी गल नहीं बोले आराम से तामुल से बोले दूजा बैठा है मैं दसो बस भाई जी आम बंदा मोटरसाइकिल रोक के इस तरह परसीना साफ कर दे ऐ बंदा होंटा जो एनयूटी कर दे अंश भाई तुझे सुनो से इज्जत करने से बुलाया नहीं 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 बात करने के लिए बुलाया है मैं गल सुनो मैं सिर्फ इज्जत करना मैं इस बंदे दी मैंने मिट्टी नहीं टाड़ी तेरे वर्गा काम बैठा होता है ਉਹ ਖਾਣਾ ਖੁਦਾ ਖੁਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿੱਟੀ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੇ ਵੈਸੇ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੋਸ ਮੈਨੂੰ ਵਤਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਖਾਈ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਲੱਪੀ ਦੀ ਹੈ ਕੰਧ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਬਰ ਤੇ ਲੱਭਾਂਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਭਜਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਜਾਤੀ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੋ ਕਾਲੇ ਮਗਾਏ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਨਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸ਼ੋਅ ਮੇ ਆਕੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਆਪ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੈ ਯਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰੇ ਆਪ ਕੋ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਕੀ ਬਾਤ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚ ਗੱਲ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਭੰਨ ਦੇਣੇ ਸਨ ਉਹ ਤਾਂ 34 ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਤਾਇਆ ਮੈਂ ਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਨਾਬ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਮੇਕਅਪ ਕਰਦੀ ਨਾ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਨਾ ਦਾਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਸਾਰਾ ਭਰਾ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾਰਤ ਦਾ ਭਾਈ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੂੰ ਐਂਕਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਤਰਦੀਦ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਕਰ ਲੈ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀ ਹੈ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪੀਂਦਾ ਵੇ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੇ ਆਪਕੋ ਬੇਸਿਕ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੇਸਿਕ ਮਸਲਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆਉਣਾ ਇਹਦਾ ਕੋ ਮੂੰਹ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸ ਦਾ ਸਾਲੇ ਦਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹੁਣ ਮਾਰਾ ਲੱਗਾ ਹੀ ਭਰਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਕਪੜਾ ਤੇਰਾ ਮੱਕੂ ਠੱਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੂੰਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਕਰ ਬੋਤੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਰ ਇਹ ਦੇਖੇ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਭਾਈ ਮੜਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲਾਲਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋ ਸੁਣੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਯਾਰ ਬਾਤ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਮਾਰੇ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਸੁਣਾ ਲਓ ਸੁਣਾ ਲਓ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਪੈਣੀ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਦਕੇ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਯਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ ਜੁਗਤੇ ਨਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਆਪਕੀ ਤਰਫ ਦਾਰੀ ਕਰਾਂ ਉਹ ਜੁਗਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਐਂਕਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਆਪ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਪਲੀਜ਼ ਭਾਈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਭਾਈ ਯਾਰਾ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾਹ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾ ਦੇਖੋ ਅੰਸ਼ ਭਾਈ ਤਲਾਕ ਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਆਪਕੋ ਬੁਲਾਣੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਲੋਗੋ ਮੇਂ ਸੁਲਹ ਕਰਾਈ ਜਾਏ ਔਰ ਜੋ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਹੈ ਹਮਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋਂ ਕੋ ਵੀ ਇਸੀ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਉਨਕੋ ਹਮ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰੇ ਯਹਾਂ ਬਿਠਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਤਲਾਕ ਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹਦਾ ਭੈਣ ਨੂੰ ਚਿੰਗੀ ਪਵਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਜਾ ਰਹੇ ਯਾਰ ਲੋਰ ਰਖਸ਼ ਚਲਾ ਲਾਂਗੇ ਯਾਰ ਉਹ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰੋਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੋ ਤੇ ਬਾਈ ਵੀ ਟਰਾਲਾ ਵੀ ਚਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਮੀਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਆਇਆ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਮਰਨਾ ਨਾ ਅਨਸ ਭਾਈ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋ ਮਸ਼ਵਰੇ ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਬੁੱਢੀ ਇਹ ਤਲਾਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਲਾਕ ਦੇ ਪੁੱਤ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਉਹਦਾ ਤਲਾਕ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਪਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਜੀ ਦਾ ਕਿਉਂ ਤਿੰਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੇਖਣਾ ਜਰਾ ਯਾਰ ਪਲੀਜ਼ ਉਨਕੋ ਨਾ ਮਾਰੇ ਉਹ ਡਰਤੇ ਹੈ ਮੌਤ ਸੇ ਕੌਣ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਰੇ ਵਾਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਪਾਈ ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੀ ਪੁੱਤ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਵਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਯਾਰ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਨਸ ਭਾਈ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਸਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਟੀਰੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਰੇ ਹੋ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਐਨਕ ਲਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੱਤਰ ਨਾਲ ਫੜਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਨ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਥੋੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਨਰਲ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਬੱਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕਬਰ 'ਚ ਪਿਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੁਛ ਯਾ ਕਰੋ ਕਬਰ 'ਚ ਲੱਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੰਡ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਯਾਰ ਇਹ ਕੈਸਾ ਬਾਬਾ ਹਰ ਪੰਤ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮਰਾਸੀ ਬਾਬਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਆਵਾ ਯਾਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਯਾਰ ਆ ਕਿਹੜਾ ਦਾ ਮੰਗ ਲਿਆ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬੋਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਦ ਵੀ ਆਏ ਆਪਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਲੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰਾਣੇ ਆ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਸਰ ਰਾਣਾ ਬਣਨਾ ਕਿਹੜਾ ਔਖਾ ਹੈ 3 ਮਹੀਨੇ ਟਕਾ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲੋ ਰਾਣਾ ਤਿਆਰ ਯਾਰ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਮੇਗਾਪੁਰੋਂ ਰਾਣੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯਾਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਜੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹੋ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲੱਗ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਸਵਾਰ ਖਾਣੀ ਤੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਖਾਨਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਨਸਵਾਰ ਖਾਣੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਕੀ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਵੀਰਾ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਗੁੰਝਦਾ ਰਗਾ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਗੁੰਝਦਾ ਰਗਾ
दोनों पांडे नहीं दोनों पांडे नहीं वैसे पांडे यार नहीं वो कॉमेडियन है अच्छा 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 पटास वाला क्रीम रोल होता है सर जी प्लीज सीरियस मसला आया सर अच्छा यार आप ये बताएं जी आप कहते हैं कि वो आपसे लड़ती हैं जी अब हम उनसे पूछते हैं वो क्यों लड़ती हैं जी बीबी आप बताएं ए मेरा खर्चा नहीं पूरा करता नहीं कितना तेरा खर्चे मनु दास तुसी इतना खर्चे सर मैं देना जो कमाई होती है तू देना जब मैं अपने मां बाप के घर में थी ना ये तो आपने बता दिया हमें बीबी आप क्या है की बात इस अलावा किससे से होता सर यार तू बता रही है चाहे बताए मां बाप तू दे बीच ना ही ना बोल वेला पढ़ावा अच्छा यार प्लीज आप आपने बदमाश रखा है ये मेरा भाई है ए भाई दी फोटो टंगी है बोल नहीं यार भरा आएगा मैं तेरीया मुछा नु आदा तू आपदा परवीन बन देना तो बता दे अच्छा आप बता दी मां-बाप के घर थी तो बहुत खुश थी फिर जब से इसके घर में आई हूं ना मुझे आज तक इसने कुछ नहीं दिया क्या नहीं दिया मुझे आज तक एक ब्रांडेड सूट नहीं लेके दिया ब्रांडेड सूट तो मैं कितने के लेके दूं मैं दसो हर दुकानदार तो उधार देना शुरू करता और आज तक कभी पार्लर नहीं मुझे लेके गया सर पार्लर तैयार कहां से हुई है हम सायों के घर से देखिए हम तो भाई मतलब कह रहा था कि हम पहले जाते हैं पहले वो तो मेरे बाल तो तेरी थी यार होना ही यार चाचा जी आप इनके हमसाए हैं उन्हें हमसाए ना गया ताए ना नहीं गया अच्छा जी तो हमसाए सर सर मेरी बात सुनो मैं इससे शक की वजह तो अपनी बहन को तलाक दवानी है यार शक ए शक करदा भाई जी ओ लगी रहने दे शेर की हो गया तन्नू किहो जी गल्ला करना पे पास कर जाओ पास कर जा कैसा बुझे दिवेर का मुंह तेरा यार आप आपस में जुगते कर रहे हो ए तो मैं भाई जुगते कर रहे हो यार आप आपस में लड़ते जा रहे हैं तीनों ओ भाई तलाक लेनी मैं नहीं 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 ओ भाई तलाक दे मेनू मेरे को टूटी नहीं यार चलो तुसी बद्दी दे दियो बद्दी दे दियो पुत्त पुत्त आपको पार्लर नहीं लेके जाते आपको फैंसी सूट नहीं लेके देते कभी भी कुछ नहीं लेके दिया मोबाइल लेके दिया कोई आज तक नहीं लेके दिया मैं ला दूं सारा यार चाचा किस काम आ गया बाबा जी तुसी आप कबूतर विच सिम को आई की हो गया तुम हैं हर गल च बोलना बाबा कैसा माई दी गुथली अरगाऊं है वो तो पहले तेरी चाची याद आ रही किस बात से आ जड़ी गल कर जा रहे हो उसको वापस आऊं मेरा भी बड़ा प्यार सी उधर अच्छा आप भी लड़ते थे मैं 15-20 मिनट लड़ना अच्छा मारते थे बकायदा मैं अन्ना कुछ उन्होंने मुक्की करना तेरे चाची नु फिर उन्हें मेरे को माफी मांगनी मैं देखो मांग लड़ी यार ये कैसी लड़ाई है वो तो बस मोहब्बत ही बड़ी सी साड़ी जिन्हें जानी उम्र होगी अल्लाह को माफी को परचाई को मंगने वो तो होते रहे ही नहीं दुनिया से कौन ताड़ी मेहरबानी तुझे वो फ्रिज दियो मांग लो वो तो तू मेरे नाल ही चलो यार अपन को भेजने की जिद क्यों कर रहे हैं सारे इतने सारे चंगे नहीं लग रहे नहीं इतने प्यारे लग रहे आज तो बड़ा प्यारा सूट पहन के आए हो देखो ये सूट किसे दा बॉस जेड़ा सूट पाया वो बंदा बाहर खड़ा है अच्छा जी आपकी तरफ आते हैं तो आपकी ये कंप्लेंट्स हैं कि जी आपको कुछ चीजें नहीं दे रही है कभी भी आज तक कुछ नहीं लेके दिया और टिश्यू पेपर दी मलका होती की हो गया तू यार तो क्या दिया आज तक आपने मुझे मैं क्यों ना झुकता करा जनाब सारा कुछ मैनू लेके देना इन्ने मैनू खरीद देता मैं दसो आपका गिला के औलाद नहीं है जी जी। आप गिला कर रही है कि कुछ दिया नहीं रिस्क नहीं है पैसे पूसे नहीं कमाता ना ये आप शादी से पहले क्या करते थे सर पीको फैक्ट्री नौकर से मुलाजमत कर रहा था आप झुकते ना करें सर मैं तो नहीं समझाऊं नहीं आवा मेरी गल इसका मतलब है आप प्लीज मुझे बोलने से आप तो बहुत तेज बोलते हैं इसका मतलब है कि आप इससे पहले जॉब करते थे शादी से पहले हां जी शादी हुई जी सर्कमस्टेंसेस आए जिंदगी में तो उसके बाद अब आप बाइक चला रहे हो हां जी तो इसमें कोई ऐसा मज़ाइका तो नहीं अगर आप बाइक चला रहे हो सर मज़ाइका क्यों नहीं होना गांव के अंदर सारी दड़ी लो भाग के फिरता रहना मैं कहने पास जाऊं यार
चलना कितो जनाब एडा नैश मुहरे नाल बैठे की चलना। अच्छा चल जी मैं आपको यहाँ पे एक बात बता, वो तो मेरी भी सुन लो आपकी तरफ मैं नसीहत करनी है दोनों नु। यार बाबा दाड़ का कीड़ा बड़ा है होंदा ही वो तो मैं एक बाकी इन्हां नु दसना अपनी याद दी जिंदगी, उससे क्या मिलेगा सबक मिलेगा। वो तो मैं इत्थे सबक वाली गल करनी सारे स्टूडियो वास्ते। चलो जी कर दे, और नसीहत होनी चाहिए बीच में। वो तो मैं नसीहत ही कर रहा हूं, सारा बंदा को नसीहत। अच्छा जी करें, शायद कोई सुनेगा तो फेर ही है ना। सुनाओ सुनाओ जी सुनाओ। मैं परसों चौथ पिछले साल दी गल है, परसों चौथ पिछले साल मैं स्कूटर कढ़िया अपना। अच्छा थोड़ा जा आगे गया, एक अच्छा बच्चे ने पीछे जुत्ती मारी लात से। क्यों उन्हें क्या सड़ी जमे के टोटो आ गए जी। बाबा जी आपने स्कूटर निकाला, थोड़ा सा आगे गए, थोड़ा आगे गया, वो तो मैं स्कूटर कढ़िया, लोगों ने कुटिया, चोरी कर लिया किसी का, वो तो मरासी जाती। अच्छा 700 दा लिया सी मैं, रखा हुआ इन्होंने 700 दा लिया तेरे। अच्छा जी अच्छा आगे बताए, ड्रैग ना करे चाचा। मैं थोड़ी जी रेस ज्यादा देती पुत। अच्छा तो भैया झुक गया, कहते बाबा थले यार बात कर रहे तो बात आई ठक। फिर क्या हुआ, वो तो जड़ा अगे हुंदा ना रिंग पिस्टम जा, हां वो फारक हो गया। वाह वाह वाह, तो साडा वो तो मोटर से। अच्छा फिर आगे, वो तो मैं इथे नसीहत करनी सारे नु, नसीहत उन्हां दी जिंदगी लई नसीहत की है। वैस्पा लेके आ गया तू, अच्छा इसमें चाच मच्छियां रखी हैं। अच्छा इससे क्या नसीहत मिलती है जिंदगी की, बता। मैं कहना सी कि गड्डी दी महीने च एक दफा ट्यूनिंग जरूर करो। आप तो कोई बात ना करे ना, बुजुर्गों ने मुंह क्यों लगन दी है, दातन करके चपेट खाधी होंदी है। आपको आपका मसला है औलाद का प्रॉब्लम और आपको रिज़्क़ की प्रॉब्लम आ रही है, सही है ना। तो हम लोग अपनी शरीयत के अगेंस्ट चल रहे हैं, ठीक है। जो औरत है वो अपने नसीब की वजह से मर्द को छोड़ रही है, और जो मर्द है वो अपने नसीब की वजह से औरत को छोड़ देता है। वो ये बात कर रहे थे चाचा जी। जी बहुत ओ बाबा गल करन दे, रक्षे च रिच बैठा हुंदा है। मैं कदी तन्नू बिठाया यार, अगो दूसर करदा बाबा कितना शोगा यार, इन्ने सुला नहीं थे हुंदे ने मतलब बुजुर्गो गल करन दे, बॉर्डर ते आटा टिका हुंदा, देखो तो ध्यान ही मेन पंदा। अच्छा जी खाओ, मैं फिर ले जानी भी है थी। चाचा जी बात सुने, आप भी आपके भी काम आएगी जिंदगी में, आप बड़े बकवास बाबे हैं जी। बिल्कुल आप जी ये बात सही कह रहे हैं। अच्छा तो जो रिस्क है वो औरत के नसीब का जी, और जो औलाद है भैया वो मर्द के नसीब की होती है, और इसी को हम लोगों ने मिक्स किया है, इसके हम अल्टरनेट चल रहे हैं। कि जो औरत है वो अपने नसीब की वजह से मर्द को छोड़ती है रिस्क की वजह से, और जो बंदा है वो अपने नसीब की वजह से औरत को छोड़ देता है औलाद। लेकिन भाई ऐसी तो कोशिश करने पे हैं कि मैं तो कोशिश करना पे नहीं, इसमें औरत को चाहिए कोशिश करना, आपकी कोशिश करना नहीं बनती। इसमें औरत को चाहिए कि वो रुजू करे, वो देखे कि वो कहां पे, वो तो मैं ना रुजू करूं। प्लीज बाबा बात करने दो। यार ये क्या कैरेक्टर है यार, मामला लगना डरपोक जाएगा। हां जी इतनी सीरियस बात कर रहे हैं हम, बाबा बस कर दे यार, सुन ला जनाजे वाली मंजी ने चली बननी होती है, सुन ला थोड़ी मेहरबानी। अखिली साहब तो शैतान खोता होता है, थोड़ी मेहरबानी। अच्छा जी तो जैसा आपको बात समझ आई, औरत जो है वो अपने नसीब जो रिस्क है उसकी वजह से मर्द को छोड़ रही है, और जो मर्द है वो अपना जो उसका नसीब है, जो उसके नसीब की चीज है औलाद, वो उसकी वजह से उसकी बिना पर अपनी औरत को, औरत को बुरा भला कह रहा है, छोड़ रहा है, इन दोनों में आपने। तो आप दोनों की बात समझ आई है। तो अब आप कहेंगे उसको ताना देंगे औलाद का, नहीं पर आप देंगे ताना रिस्क का। नहीं जी, देखो जी एक मसला मेरा हो रहा है। अच्छा वो क्या है मसला, है अगर ये कर दिए गलत भर देंगे कर दिए। हाँ ये भी गलत है, तो गलत गल है, तेरी चाची चा क्वालिटी नहीं सी। बाबा तेरे का बाबा ना पोतरे हथो मरदा, मैं तुम दसा औरतें अपने खावन के खिलाफ बातें अपनी
जो दोस्त है बाप है उनमें गलती है, और ये जो बंदे हैं ये भी बाहर जाके बातें कर रहे होते हैं। दोनों को जो है ना वो आपस की जो बातें हैं वो बाहर नहीं निकाल। अंश भाई मैं तो निकाल तो दफा कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो बाहर नहीं कर रहा। आप करेंगे बाहर जाके बातें? देखिए जी मैं घर में होती हूँ अकेली। रानी जी मैं आ जा करूँ इकट्ठे बैठे रहना यार प्लीज। अच्छा घर में अकेली होती हूँ फिर तो मैं अपने दिल का गुबार किसे निकाला करूं जाके? पता ही देखो मैं तुहानू चंद लैना तुहाडी खिदमत च पेश करना चाह रहे हां कि ए जेड़े लोग अपनी बीवी च नुक्स कढ़दे ने कि जी उधर शिकायतां करदी है उधर करदी है उन्हां दे बारे मैं चंद क लैना लिखियां ने ओह की है कि ना दिहाड़ी ना तनखाह लवे पर कम ओह सारे करदी है बीवी मेरी नौकर नहीं ओह इज्जत मेरे करदी है। वाह फजरी उठे रोज दिहाड़ी रुज जांदी है कम्मी कारी चुल्ला चौंका भारी बौकर कपड़े धोन की करे तैयारी बच्चिया भी सामभी आपे सहरे आके भुल गई मापे फिर कदर ते ओदी लाजम है जेड़ी जरा शिकायत ना कर दी है बीवी मेरी नौकर नहीं हो इज्जत मेरे कर दी। अच्छा तो आप दोनों के बात समझ आ गई है और मुझे बाकायदा उम्मीद है कि आप लोगों को भी मेरी बात वो समझ आई होगी। एक बड़ा छोटा सा नुक्ता है बड़ा छोटा सा हाँ जी और बड़ा छोटा सा पॉइंट है नाज़रीन ये, लेकिन अगर इसको हम समझ लेंगे ना तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि बहुत से घर और बहुत से रिश्ते टूटने से बच जाएंगे और तलाक ज्यादा होने की रेशो भी जो है वो इसी वजह से बढ़ रही है कि आपस में हमांगी नहीं है मियां बीवी की। सही ठीक है और रिज़्क पे लड़ाइयां औलाद पे लड़ाइयां ठीक है और ये इस जैसे भाई जो है उनको भी थोड़ा ख्याल करना चाहिए बहन का घर बसाना चाहिए ऐसे ये भी आपके लिए इज्जत की जगह और आपके लिए भी वो इज्जत की जगह है जी। आप भी उनकी इज्जत किया करें और आप भी नाज़रीन आप लोगों के लिए भी हमारा ये पैगाम है इस सेगमेंट करने का ये इतनी कॉमेडी करने का ये कैरेक्टर्स क्रिएट करने का हमारा मकसद बेसिकली यही था कि आप तक ये बात पहुंचाई जाए कि अपने रिश्तों को बचा के रखें ये बड़े कीमती रिश्ते हैं ये रोज रोज नहीं बनते। क्योंकि नाज़रीन तलाक एक ऐसा अमल है जो जायज तो है हमारे मजहब में लेकिन उतना ही नापसंदीदा भी है जो नहीं पसंद किया जाता कि ये नहीं होना चाहिए। तो अब आप लोगों को समझ आई इस बात की? जी अंश भाई दड़ियां जो गल्ला तो सानू अंदाजा होंगे कि सानू एक दूसरे का लड़ना नहीं चाहिए हाँ तलाक ही लाजमी लेनी है। यार ये कैसे लोग हैं यार मैंने पता नहीं मैंने नहीं बसना आता मुंह नहीं है बसना मेरा चेहरा बता रहा है कि वो बसना चाह रही है पुत मैं हां समझा करा बाजे ਨਾਲ ਫੋਨ ਓ ਯਾਰ ਬਾਬਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਗੋਰਗਨ ਨੂੰ ਕਰੋ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬਰ ਚ ਦੱਬਣਾ ਹੈ लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन हमारा सेगमेंट है फ्यूज अपडेट और आए ज़ुबिया की तरफ चलते हैं और पूछते हैं कि आज क्या फ्यूज अपडेट है। जी ज़ुबिया। जी सर आज की खबर है कि मलेशिया में काम पर ना जाने के लिए जाली पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवाने वाली खातून गिरफ्तार। वाह 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 क्या बात है की काम होने लग पे नहीं देखे जी उसने जाली पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवाई मेरा ख्याल है दसो यार काम पर ना जाने के लिए पाकिस्तान तो भी अगले केस हो गए। हाँ जी हाँ जी जाली रिपोर्ट दर्ज करा के उन्हें सारा मामला सीधा कर ले काम पर नहीं जाना चाह रही। अच्छा इसकी तफसीलात क्या है वैसे? जी बिल्कुल तफसीलात कुछ इस तरह है कि मलेशिया में 28 साल खातून एक फैक्ट्री में मुलाजमा थी। अच्छा और वो जॉब पे नहीं जाना चाहती थी इस वजह से उसने पुलिस में एक झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई उसके मेरे से डकैती हो गई। बिल्कुल वाह उसने वाह कहा वाह। कि दो मोटरसाइकिल पर मौजूद थे अफराद और वो आए उन्होंने मेरा कुछ नकदी कैश ले लिया और मेरा एटीएम भी मलेशिया फप्पे कुटन औरत लगती है। आपको मैं मजे की बात बताऊं तफसीलात हम आगे और कुछ है। जी बिल्कुल जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो उन्होंने जाए वकुआ का पूछा लेकिन वो औरत कंफ्यूज हो गई क्योंकि वो झूठ बोल रही थी। तो पुलिस को पता चला कि ये औरत पहले भी दो दफा इस तरह का ड्रामा कर चुकी है। अच्छा वो कंप्लेन उनके पास आ चुकी होगी। बाद में वो बंदी मानी भी कि मैं काम पर नहीं जाना चाहती थी इसलिए मैं नहीं। देखो जी पाकिस्तान जी तो मैं खतूना दे काफी मैं वेखे ने कि किस्मा गई ने एक केड़ी किस्म दी खतून कहते हैं फकी साहब। सॉरी जी देखो मैं ये दसो कि पाकिस्तान दे विच जी खवातीन हियां ने ये मलेशिया दे विच भी इहो जी खवातीन दी किस्मा गई हां जी हर तरफ पाई जाती काम पे आप ना जाना आपको भी अच्छा नहीं लगता होगा मेरा ख्याल। सर असी काम ते ना जाइए साडी बुढ़िया दे पिछे बद बाबा शुरू कर देती है और वो पुलिस अफसर जिन्होंने गिरफ्तार किया है वो भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आटा चुके आए तुम यार? नहीं प्लीज जी कैसी हैं आप? फाइन। मेट्रो दी बुजुर्ग होती यार प्लीज बुजुर्ग नहीं है 28 साल खातून खबर में 28 साल खातून दा बेड़ा गर्क होया पे यार हो जाता है बेड़ा गर्क आपको किसने क्या हुआ है? नहीं लोकी सिर ते कलर लाउंदे ने तुसी पेठा बने आ आपने बाल सफेद रखे में खुद रखे में ये जी भी ये फैशन है। वाह 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 बड़ा सोहना फैशन है जी माशाल्लाह। मलेशिया में ऐसे ही होता है ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਭਾਈ ਇਧਰ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਟ ਵੀ ਤੇ ਵੇਖੋ ਡਬਲ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਹੈ।
अच्छा बीबी प्लीज आप जरा रुक जाएं, हमने वो पुलिस अफसर को भी बुलाया हुआ है। कौन? जिन्होंने गिरफ्तार किया है। जी कैसे हैं आप? अनुसु पापा अनुसु तुसाने के हाल ने ये कैसे आप बोल रहे हैं? इतने आप डैशिंग लग रहे थे, डॉन पर्सनालिटी आ रही थी आपकी। शुक्र है ना, तुसाने के हाल ने दसो ना। जी हमारे हाल ठीक है। सर आपने मलेशिया से डायरेक्ट इनको इधर बुलाया? बस ये आ गए हैं, गेटअप करके अब क्या कर सकते हैं। ये जो थोड़ी लंडे दी गंड नहीं होती ओदे विच कितने आ गए। अच्छा तो आप पुलिस में है जी? नहीं नहीं मैं मलेशिया तुम दूर टैप सिस्टम यार रुक कर रहे हैं मलेशिया जी थाने से चूहे पड़ते हैं ला। अच्छा जी बीबी आप बताएं क्या आप क्यों दफ्तर जाने के लिए बहाने करती हैं? मैं असल में ना काम कर करके ना थक गई थी। थकने के तेरे दिमाग में मोती का पौधा चढ़ गया है। तुसी उन्हें नींबू चाड़े जे हो गए बल्कि बात तो सुने ना पूरे मेरे जी बताए मैं काम कर करके थक गई थी। काम कर करके थक गई थी। सीमेंट चुक दे तुसी घर दा यार बात कर रहे थे। जॉब करती थी ना ऑफिस में। ऑफिस में जॉब? ऑफिस में जॉब करती थी कंप्यूटर पे। जिस तरह के बंदे लभन ओही जुबान बोलनी पैंदी है। तफ्तीशी सिस्टम हुंदा है। तानू मेरे वर्गा सख्त पुलिस अफसर लभना ही नहीं भाई ना। जी जी नजर आ रहा है आपकी तबीयत से लग रहा है। मैं मेरे तो पहले दो बारी रिपोर्ट करा चुकी है छुट्टी की खातर। हाँ जी तुसी एनी रिपोर्ट कराई तुसी कदी अपने खून की रिपोर्ट कराई? बस कर हूं ते मैं आ गई ना थाने। भाई जी छुट्टी करन ली सिर्फ एक दफ्तर तो छुट्टी करन ली कहंदी मैनू डकैती हो गई मेरा मोबाइल खोलिया मेरे मेकअप ए चीजां वेखो लगदा छुट्टी वाले बंदे दीयां ने। मैं तैनू सही कहण दिया ए कोई उथों नहीं आए ए मैनू भगवानपुर दे दोवे घर वाले लगदे ने। अच्छा जी आप वजह बताएं क्या वजह है? वजह यह है कि मेरा दिल करता है मैं शॉपिंग करूं। इतों ताड़ी दौर से तो नोट बंद हो गए ने। यार नहीं कर सकती हैं। मैं कर सकती हूं। अच्छा जी मेरा दिल करता है मैं मार्केट जाऊं शॉपिंग करूं नए नए बैग खरीदूं। नहीं एक लिमिट होती है ना, आप तो लिमिट से कुछ ज्यादा ही भड़के शॉपिंग कर रही हैं। तो ये इतने पैसे छुट्टियां भी आप नहीं करती हैं तो कहां से आते हैं इतने पैसे? ओ भाई ने छुट्टी करना मसला नहीं है, मसला है बहाना। बहाना चेक करो ना तुम जाके पुलिस नु धोखा दो मेरे कानून मैं तफ्तीश करा। भाई जी कंध बोल पैंदी है क्या? कंध बोल पैंदी है मैं पूछा दे बस करे ना। तू कैसी बेगमार की तबीयत है बंदे का रूह लग जाता है भाई ना बंदे का रूह लग जाता है बस करे ना भाई ना। मैं तुम कह रहे ना गल ना करना ताडा भी रूह लग जाना है तुझे दिया मेरा नहीं लग सकता तुझे दिया गल्ला चाहिए ना। मैं ते अपनी बुढ़ी तो दुखियां जेड़ा इतनी गल्ला च नहीं आया। अच्छा जी यकीन ये ते भाई ना दो मिनट ताडे नाल गल करे तुझे अपने सारे पैसे दे दियो इनू। अच्छा आप तो मेरा साथ दे दे। हेलो मैं साथ दे दिया यार वो पुलिस वाले हैं केड़ा तू बालन दी पंड चुकन दी मिनटों पहले अगले बंदे नु नार ला दंदी यार। बंदा भी कहंदा हरे किड्डी मजलूम है ओ छुट्टी करन ली दसो कहंदी मेरे नाल डकैती हो गई दो पहलियां गलत रिपोर्टा। अच्छा चलें ये बताएं बीबी आप मुझे बीबी ना कहे आप और तेनु सस्ते लगदी जो ही चाहवना कहण तू तेनु माइकल जैक्सन कहण की कहण ते यार आपको कितने अच्छे हैं। आपको बीबी कहना है मेरी बात सुने आपकी रूटीन क्या है? मेरा दिल करता है मैं सुबह उठूं वाह पूरी गली च झाड़ू दिया यार ना करें प्लीज ना यार की तबीयत कर दंदी प्लीज अपनी बुड्ढी ने नहीं कदी इनके प्लीज ना क्या बात खूब भाभी शो देखती हैं। अच्छा मेरा दिल करता है मैं सुबह उठूं अच्छा तो दोपहर को सो जाऊं। हां जिम्मेदारी भी तो बड़ी ना तेरे से उठनी क्यों है? फिर मेरा दिल करता है शाम को उठूं घूमने फिरने जाऊं फिर आके सो जाऊं। वाह किसी दिन ऐसा दिल नहीं करता कि मैं शाम को सोऊं और उठूं ही ना। यार प्लीज देखें आपके होते हुए ये कैसी बातें कर रहे हैं। ओए मैं तो यार वो आपके क्या लगते हैं वो पुलिस वाले हैं? नहीं ये बहुत अच्छे हैं ना ये पला देंगे बंदे को चाटो पहले मेरे ना वर्दी उतर के शेरवानी पहन दी ऐसी गल करती है बंदे को दिल करता टोपी की जगह कुल्ला होए वर्दी की जगह शेरवानी पाल ले बंदा। क्या बात है। अच्छा भैया आप ये बताएं थाने में करते क्या हैं? ठीक लग रही यार मैंने सवाल पूछा उससे इधर वाला लोग कलर करते जी यार नहीं अपनी ड्यूटी पूछते हैं। यार तेरी मत बज गई क्यों क्या हुआ वो एक पुलिस वाला थाने च की करदा मैनू दस डेजिग्नेशन क्या है भाई जाहिल आदमी कुछ नहीं जनाब बैठा रहना दीवारा नु वेखदा रहंदा वे कोई मुजरम आ जाएगा ओदे कोल दुआ कराएगा कि इत्थे कोई जुर्म होवे सी कुछ लिखत पढ़त कड़िए। आपकी लुक अजय देवगन वाली आ रही क्या बात है। अजय देवगन क्या बात नहीं वैसे आ रही है फील हो रहा है अजय देवगन अजय देवगन आ रही है यार ना करे गंद नहीं आ रही स्टूडेंट हाथी हुंदा है यार तुसी साले दा ना मैं इथे तुनु लम्मे आ पा लेना वैसे नु ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਕੈਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਦੀ ਹੈ ਮੁਜਰਮ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਚੋਰੀ ਲੱਛਾ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ
अच्छा तो आप मेरी लिपस्टिक ठीक है बता देना प्लीज यार मेनू नहीं कितने फड़वा देंगे आप पुलिस हैं अरे भाई मैं पुलिस नहीं मैं दूल्हा मां मेनू फील आन लग गई है यार मतलब दूल्हा नहीं तेरी पर बुजुर्ग मोहतरमा जी वाह तालू भी नहीं मुझे नहीं चाहिए मेरे सवाल का जवाब दे जी मोहतरमा ही इंज किया कि अंदर ले बात जा आगे मैंने उनको प्यार से कहा यार वही तो सोचन दी कि प्यार में मैं तो तू कहते नहीं नहीं अब मैं उनको कैसे आप कैसे हैं मैं ठीक हूं और ही मैंने शुद्ध काजल की हो गई मैं तो उनके मसाई नहीं खाई गई हो ये तो जिथे बंदा वेहदी पाए नहीं शुरू यार प्लीज आप तो नहीं बोले ये तो अफसोस करने जावे ना मरे बंदे नु ईमान तो देखे ना आप क्यों मर गए होट जांदा ओ बीबी मरे मेरा हिसाब होण वाला तू केड़े चक्कर च पाता मैं यार आप पुलिस में है ना इनको बास करवाए ये तुसी रल के करो इसलिए तड़ को लिया दो मिनट लग रहे नु इथे भावे को चुप हो जाएगी हुण आप फिर बोल पड़े हो ओ माय गॉड ओ चुप क्यों नहीं कर दी तू तेरी मुजरमाना तबीयत क्यों नहीं हुंदी हाथ घड़ी ना बकरी बन्नी हुंदी है तेनू क्यों समझ आ आप क्यों होते हुए देखे वो कैसी बातें कर रहे हैं मैं मेरे हुंदे आ तौबा मेरे कुकर नाल वेड़ा धोता हुंदा मेरी देखो तो सी गौर ना तुसी मेनू की कहंदे मोहतरमा जी ओए हो यार हो रे देखे गोबलू हुंदा जरा ते करो मॉडलिंग करना आई है जी मैं सवाल पूछना चाह रहा हूं फांसी भी होगी ना तेन ओथे भी इंजी करी जाना कैसे पते नहीं है मेरी नेक कैसी लग रही है इधर बेस अच्छी लगा लूं रस्सा ठीक लगेगा जान मी रिंग कैसी अरे थाने में ये काम चल पड़ा है बेसिकली बीबी कहाँ जाना पसंद है आपको दोस्त के साथ बताओ पाइटन आइलैंड वाह जगह भी वो याद की थी जिसे चेंजी भी नहीं जानता पाइटन आइलैंड मलेशिया के कब्रिस्तान का जगह और नहीं भाई ये मलेशिया का एक वाहिद ऐसा आइलैंड है जो सतह समंदर के साथ मुत्तसिल है और वहां से ऊपर तक आइलैंड पता है आपको किसको कहते हैं आपको तो पता होगा ना जी जी जजीरे को कहते हैं बिल्कुल ये एक ऐसा वाहिद जजीरा है जिसको ओशियानिक आइलैंड कहते हैं अच्छा, अच्छा क्योंकि इस समंदर की जो सतह है ना जमीन के पत्थर बहुत अच्छे मिलते हैं और यार प्लीज सीरियस बात हो रही है बकवास पुलिस अफसर हमारे पास आ गया ठीक है ना और ये जो इस तरह के आइलैंड होते हैं ये वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से पैदा होते हैं जब लावा आतिशबाजी पड़ता है समंदर में तो फिर वो ऊपर तक आता है फिर जब वो ठंडा होता है फिर उस पे इंसान जा सकता है एहो जी बुड्ढी भी शुरू होती है कलाबाजी ला के वैगन तो उतर दी करो यार करे ना हेलो ओ वेखे तुसी वो तो एक मुजरिम है जी जी पुलिस का हाल देखे पुलिस का हाल की उन्हें कीता की पे आया तुहानू नहीं नजर आ रहा देखे ना जरूरी है ना आप तो ओ भैया आप पुलिस वाले हैं स्ट्रिक्ट हो एक्शन ले इस बात पे लो भाई जन ताडी होने इस गल तो मैं सख्ती करांगा मैं तुहानू दसांगा जो मैं ट्रेनिंग च सिखया वही एक्शन होएगा हुन यार देखो यार इसमें कुछ जादूगर नहीं मुझे लग रही सुनहरे वाला अली तेनू मिल जाएगी सारी जिंदगी सुखी रहेगा नालों दे सिर नू पानी देंदा रहे लेकिन सर इसमें तो पुलिस का सिस्टम भी ठीक होना चाहिए ना हाँ जी नहीं ये दरअसल ये है बकवास पुलिस ड्रामेबाज पुलिस ये पुलिस थोड़ी है ये तो एक जोकर आदमी है ये दो पुलिस ने जो कोना पुलिस आ गई उठ डर जंदी अच्छा पुलिस दो नंबर है ए एक नंबर है सिर ते खरगोश बन आई है तुसी ओदी गल नहीं सुननी उसका स्टाइल है उसे शौक है अच्छा बीबी अब आपको शर्म आई है अब आज के बाद झूठ बोलेंगी नहीं क्यों बस झूठ भावे इन बोलन दे हो लेकिन ये नहीं इनका खत्म हो सकता अद्धी दुनिया ने गुमराह कर देनी है जी देखिए करना यार आपको मसला है कोई ओ मसला नहीं पायनो तो कुल है ही एटम आप काम पे जाया करें मेरी बात सुने ठीक है अपनी जॉब करें जॉब रोज रोज नहीं मिलती आप अपना फोन नंबर देंगे मुझे पिछले सेकंड में भी मांगा था तुमने बात करो ये फोन नंबर बार बार क्यों तुम्हारे कोई मजाक लेनी है सर ये कितनी जाहिल औरत है कि एक इसने क्राइम की है ऊपर से ये किस तरह की हरकतें कर रही है शर्म नहीं आती आपको तुम इस पे हैरासमेंट का पर्चा करवा दो इन्हें उधर से भी निकल जाना पड़ेगा क्यों हां जी देखिए ना हैरासमेंट इन्हें जाते थे थोड़ा मारन तो पहले इन्हें फड़ लेना देखिए थोड़ा ना मारे ना ओ लगाना सॉरी ये आप बरी हैं खवातीन हज़रात ये था आज का शो अपना खास ख्याल रखिएगा आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा अल्लाह हाफिज़ नासिर